नमस्कार, मैं आपके साथ मुस्कान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्या आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको 10,000 का जुर्माना हो सकता है। हाय तौबा, ऐसे 10,000 का जुर्माना देने से तो बढ़िया है आप आज ही इसको लिंक करवा लीजिए। दरअसल मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। दरअसल पैन कार्ड होल्डर को 31 मार्च 2022 यानी आज ही अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को अपने आधार कार्ड नंबर से जोड़ने को कहा गया था। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा तो वह अमान्य हो जाएगा। साथ ही इसके बाद आपको पैन आधार को जोड़ने के लिए 500 से 1000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। आपको बता दें कि सरकार पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा चुकी है, मगर है कुछ लोग जो ढीठ है, आखिरी मौके पर भी बाज नहीं आते। ऐसे में मैं आज आपको इसको पूरी डिटेल्स बताने जा रही हूँ, जिससे आप घर बैठे भी एक काम कर सकते हैं और अपने पैन कार्ड को टूटने से बचा सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने जैसे काम के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी और उसका वैलिड होना भी बहुत जरूरी है, और ऐसे में पैन कार्ड को बचाना सबसे पहले जरूरी है। अगर आपका पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे जहां पैन कार्ड अनिवार्य होता है। इसके अलावा अगर कोई पैन कार्ड बिना लिंक किए इस्तेमाल करता है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग 272N के तहत ऐसे व्यक्ति को सजा के रूप में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लिया है तो आप इस लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। आपका स्टेटस चेक आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको www.incometaxindiaefiling.government.in पर जाना होगा, जिसके लेफ्ट साइड पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्लिक करना है, फिर अपने स्टेटस को देखने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करें। फिर आपको वहाँ अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होगी। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपको योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर से कंफर्मेशन आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक www.incometaxindiaefiling.government.in पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। इसके अलावा एक और आसान रास्ता है जिसके थ्रू आप आसानी से अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, वो है आपका फ़ोन यानी कि SMS। SMS के जरिए पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आप 567678 या 561611 पर SMS करके दोनों को लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए यूज़र को UIDPAN, फॉर एग्जाम्पल 00001111122AAAPA7777Q आधार और पैन कार्ड का नंबर इकट्ठे लिखकर ऊपर बताए गए नंबरों पर SMS भेजने के बाद आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ा जाएगा। अगर आपका नाम और बर्थ डेट दोनों डॉक्यूमेंट्स पर सेम है तो आपका आसानी से पैन आधार से लिंक हो जाएगा। अगर वीडियो आपको समझ ना आए तो और जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।